नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने की दिशा में मनोहर सरकार ने रविवार को ऐतिहासिक शुरुआत की है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया है। ये रिकॉर्ड रूम में प्रदेश के सभी 22 जिलों में बनाए गए हैं और 1860 के बाद से अब तक के करीब 18.5 करोड़ जमीन, मकान और घरों के दस्तावेजों को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसे प्रदेश की जनता बस एक क्लिक पर पा सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने की दिशा में सीएम मनोहर ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ से डिजिटल कार्यक्रम के तहत आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया है। आधुनिक रिकॉर्ड रूम की शुरुआत प्रदेश के सभी 22 जिलों में की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में रिकॉर्ड रूम की शुरुआत की। चंडीगढ़ में उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की। बता दें कि इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। वहीं सभी आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम के शुरू होने के साथ ही अब लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लोगों को अपने जमीनी रिकॉर्ड के लिए अब तहसील और पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन करने से पहले प्रदेश के 18.5 करोड़ से भी ज्यादा कागजों को स्कैन कर ऑनलाइन कर दिया गया है। अब लोग घर बैठे एक क्लिक से अपनी जगह, जमीन से जुड़े हुए कागजातों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये अवसर जैसा हम देख रहे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी कदम ये उठा रहे हैं। जब हमने कैथल में ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम जो बनाया, उस समय ध्यान में आया कि ये बहुत एक सहयोगी, एक सहायक, एक काम है। सब जिलों में इसको करना चाहिए। आज खुशी है मुझे कि सभी 22 के 22 जिलों में ये जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड का मॉडर्न स्टोर बनाया हमने, कि एक क्लिक बटन क्लिक के साथ हम कोई भी रिकॉर्ड किसी भी समय का उसके इंडेक्स के माध्यम से उसको ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये सब खतरे खत्म हो गए कि रिकॉर्ड पुराना है, फट गया है, जल गया है, कोई चोरी कर ले गया है। उसमें कुछ लोगों के वेस्ट इंटरेस्ट भी कई बार रहते थे उसको गायब करने के। इस सब चीजों से निजात मिलेगी और हमारे जितने भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स हैं, जब जिस चीज की जरूरत होगी तब उनको मिल पाएंगे। वहीं कैथल में भी मॉडर्न रेवेन्यू रूम की शुरुआत हो गई। कैथल में रिकॉर्ड रखने के लिए 5,000 बॉक्सों की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और उपायुक्त प्रदीप दहिया भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आधुनिक रिकॉर्ड रूम की खासियतों के बारे में भी बताया। देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 22 के 22 जिलों में जो आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम है उसका उद्घाटन किया है और ये सभी जिलों में किया है। इसको लेकर जैसे आपने कहा, जो ये रिकॉर्ड पुराने रिकॉर्ड थे वो गुम हो जाते थे, फट जाते थे, तो उनको देखते हुए आज सारा ऑनलाइन ये जो रजिस्ट्रियां हैं और जो हमारे आधार कार्ड हैं और पहचान, परिवार पहचान पत्र हैं, तो इसी तरह के सारे काम जो ऑनलाइन होंगे उसका आज उद्घाटन किया है। और एक बहुत ही अच्छा ये जो आज किया है, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट होगा। इससे पहले भी ऑनलाइन थी, आज से सारा ऑनलाइन होगा। और जैसे डीसी साहब ने बताया, 11 आज लैब भी खोली गई है। इसके आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने झज्जर में मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। झज्जर के लघु सचिवालय परिसर में रिकॉर्ड रूम को बनाया गया है। झज्जर में अभिलेखों के 50 लाख से ज्यादा इमेज को अपलोड किया गया है, जिसमें साल 1870 से पहले के भी रिकॉर्ड संरक्षित किए गए हैं। झज्जर के डीसी श्याम लाल पुनिया ने मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम को जनता के लिए अच्छी पहल बताते हुए कहा कि बरसों पुराने राजस्व अभिलेखों को अब डिजिटाइज कर दिया गया है।
ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज इस समस्त 22 जिलों के जो मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम्स हैं इनका आज इनॉग्रेशन किया है और ये सभी हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है और ना सिर्फ आम नागरिक के लिए बल्कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी। ये रिकॉर्ड्स में पहले माथा पच्ची बहुत ज़्यादा थी, गठर में रिकॉर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो गया था, तो अब ये जो डिजिटाइज हो गया एक इसके बाद में रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा इसको वेरीफाई भी किया गया है तो एक पूर्णतः सुरक्षित तरीके से और ना खुर्दबूद हो सकता रिकॉर्ड, अब ना किसी का घूम सकता ना चल सकता और एक माउस के क्लिक पे आपको रिकॉर्ड्स आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो आम शहरी की जिंदगी में भी ये एक आमूल परिवर्तन वाली आज की ये इवेंट है। वहीं कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में खेल मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सिंह सैनी ने आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब कुरुक्षेत्र वासियों को अपने मकान जमीन से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ से राजस्व विभाग के डिजिटल लॉकर का शुभारंभ किया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के मिनी सेक्रेटरियट में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह तथा सांसद नायब सिंह सैनी रहे मौजूद, अन्य अधिकारी भी इस मौके पर रहे मौजूद। प्रदेश के सभी 22 जिलों के साथ साथ यमुनानगर में भी मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का शुभारंभ किया गया। यमुनानगर में रिकॉर्ड रूम के उद्घाटन के दौरान विधायक घनश्याम दास और डीसी पार्थ गुप्ता भी मौजूद रहे। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि 1880 के बाद के 93 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कर दिया गया है। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम और जीआईएस लैब का जो है उद्घाटन यमुनानगर जिले में किया गया। ये जो है सुशासन की एक पहल है और इससे ई गवर्नेंस के बारे में जो है हरियाणा सरकार आगे पहल कर रही है। मुख्यतः जो आप मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1880 सन का जो रिकॉर्ड है यमुनानगर जिले का वो स्कैन करके डिजिटलाइज कर दिया गया है। इसका जो है करीबन 93 लाख से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अपडेट हो चुके हैं। इसका फायदा जनता को ये होगा कि उनको अगर किसी प्रकार की नकल की आवश्यकता होती है तो पहले वो उस नकल को निकालने में ढूंढने में समय लगता था, अब जो है वो सारे कंप्यूटराइज सिस्टम से कुछ मिनटों में ही जनता को सरकार के द्वारा निर्धारित जो नकल की रेट है उसके अनुसार उसको जनता को दे दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया के दिशा में उठाए गए हरियाणा सरकार के इस कदम से लोगों को अब अपने घर मकान जमीन से जुड़े रिकॉर्ड के ऑनलाइन होने पर लोगों ने खुशी जताई है और प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी किया है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करती हूँ जो आज उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कर दिया है। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है उनकी तरफ से, क्योंकि पहले हमें अपना कोई भी जमीन का या कोई घर का कोई सा भी नंबर लेने के लिए पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपना खसरा नंबर वगैरह दे के हम ऑनलाइन इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को और उप मुख्यमंत्री चौटाला साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। रीजन ये है कि जो इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को डिजिटल कर दिया है, ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया सारा। किसी भी जगह पे मान लीजिए अगर मुझे जमीन के बारे में कोई इंक्वायरी है तो मैं ऑनलाइन उसको चेक कर सकता हूँ। बता दें कि 4 जून 2017 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पायलट प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था जो अब धरातल पर उतर चुका है। प्रदेश भर के सभी मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में 18.5 करोड़ से ज्यादा डेटा अपलोड किए गए हैं जो आम जन को मिलने वाली सुविधा के सुधार में हरियाणा सरकार का कदम बेहद सराहनीय और सहूलियतों भरा है। हर खबर हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल, कैथल से अनिल चौधरी, झज्जर से सुमित, कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर और सुरेंद्र और यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। रोडवेज एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति के सदस्यों ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का बहिष्कार किया है। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि